जय हिंद। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं एमटीवी लाइव और खास मुलाकात पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की खास मेहमान जो है मेरी, वो काउंसलर हैं, सोशल वर्कर हैं और बहुत सारे काम हैं उनके और बहुत तरह से वो समाज के अंदर सेवा कर रही हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर कशिका जैन। कशिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमटीवी लाइव पर। किस तरह की, बेसिकली यू आर ए काउंसलर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नावेद जी। एंड मेरा जो प्रोफेशन है, मैं काउंसलिंग करती हूँ और मोटिवेशन ट्रेनिंग देती हूँ। एंड आई एम ए सर्टिफाइड लाइफ कोच। और मेरा जो वर्क है वो मेरा पैशन है। बेसिकली मेरे को अपना काम करने में बहुत मज़ा आता है। जो मेरा पैशन है, जो मेरा इस लाइफ का मिशन है, वही मेरा प्रोफेशन है। तो मुझे अपना काम करने में बहुत मज़ा आता है। लोगों की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, उसको दूर करती हूँ मैं अपने एफर्ट से, तो मुझे बहुत खुशी होती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। कशिका जी, विद इन अ सिंगल लाइन, व्हाट इज द मोटिव ऑफ योर लाइफ। माई मोटिव ऑफ लाइफ इज़ टू मेक एवरी वंस लाइफ वंडरफुल, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि एवरी पर्सन इज़ वंडरफुल। जस्ट टू रिमाइंड दैम कि दे आर वंडरफुल वॉट दे आर। जस्ट या उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं, वो जो भी चाहते हैं। लेकिन आज लोगों की हालत बिल्कुल ऐसी ही है, हनुमान जी जैसी, जैसे कि वो अपनी शक्तियाँ एक बार भूल गए थे। तो जामवंत जी आए थे, वो रोल प्ले किया उन्होंने कि उठो हनुमान, तुम में सारी की सारी शक्तियाँ हैं। तो वही मेरा काम है। मैं सिर्फ अपनी काउंसलिंग के थ्रू या अपने मोटिवेशनल सेशंस के थ्रू लोगों को उनकी वही सोई हुई शक्तियाँ याद दिलाती हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो मेरा जो वर्क है वो मुझे सेटिस्फैक्शन देता है और बहुत खुशी होती है जब लोग मेरे को ये बोलते हैं कि आपके एफर्ट्स की वजह से हमारी लाइफ में सुधार आ रहा है। तो कशिका जी, शुरुआत किस तरह हुई आपके प्रोफेशन की या आपके पैशन की। एक्चुअली ये बचपन से ही है। मेरे को लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या अपने अड़ोस पड़ोस में, तो कोई भी अगर परेशान होता था तो मुझसे देखा नहीं जाता था, तो मैं उनको हेल्प करती थी ऐसी शौक के तौर पे। तो जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो मुझे एहसास होने लगा कि ये चीज़ अंदर से एक आवाज़ आई, हाँ, कि ये काम मेरे लिए बेस्ट है। अगर मैं इसको प्रोफेशनली भी अडॉप्ट करती हूँ तो मैं बहुत खुश रहूँगी। तो बस इसी तरीके से मैंने इसकी शुरुआत की। पहले मैंने टीचिंग भी की कुछ साल, क्योंकि टीचिंग भी एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे कि आप लोगों की लाइफ में चलिए, कुछ। तो आपकी टीचिंग से बात करते हैं। कहाँ टीचिंग की आपने, किस तरह टीचिंग की और क्या सब्जेक्ट था आपका। मैंने NS कॉलेज में पढ़ाया है वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं यही सब पर्सनैलिटी से रिलेटेड और कुछ बेसिक और सब्जेक्ट्स तो देखती व्हाट थी। वाज योर सब्जेक्ट इन एनएस कॉलेज। मैं वहाँ पर IT पढ़ाती थी। ओके। तो IT पढ़ाते पढ़ाते ये हुआ कि शौक के तौर पे बच्चों की पर्सनालिटी ग्रूमिंग वगैरह करने लगी। तो फिर मैंने अपने आप को बाकी सब्जेक्ट से डिटैच करके सिर्फ और सिर्फ मैंने जो है ना अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ही वो बनाया, क्योंकि पर्सनालिटी एक ऐसा है जिसमें सब कुछ कवर हो जाता है, आपकी बॉडी माइंड आपकी सोल सब कुछ आ जाता है। तो उसी को मैंने अपना मेन प्रोफेशन बनाया, क्योंकि यही चीज़ है जो मुझे अट्रैक्ट करती है, मोटिवेट करती है। ना दिन देखना ना रात देखना, ये चीज़ ऐसी है कि मुझे जो मतलब मेरा सपना ना मुझे रात को सोने देता है और सुबह जल्दी उठने के लिए मोटिवेट करता है। तो क्या रात को कितने बजे सोती हैं और सुबह कितने बजे उठती हैं आप। इट डिपेंड्स ऑन माई वर्क। ओके। कभी 12 तो कभी 2, और कभी सुबह के 4 भी बज जाएँ तो मैं बिल्कुल फ्रेश होकर अपना काम ही करती हूँ। और फिर से अगर मुझे 4 बजे भी मैं सोई हूँ और सुबह 6 बजे भी उठना है, तो मैं बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश उठूँगी जैसे कि 8-10 घंटे की नींद के बाद उठते हैं। वेल, कशिका जैन से अभी बहुत सारी बातें करनी है, बातों को सिलसिले जारी रहेगा लेकिन एक ब्रेक के बाद। मैं ये समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। मुसाफिर हूँ यारो। ऑफ कोर्स, जो पुराने गीत संगीत में कशिश है वो आजकल के गीत संगीत में बिल्कुल नहीं है। मैं सुनाऊंगा आपको वही पुराने गीत ओरिजिनल अंदाज में। सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, सी समथिंग डिफरेंट, सी समथिंग न्यू। जय हिंद, मैं हूं नवेद खान। मैं हूं सादिक खान। आप देख रहे हैं एमटीवी लाइव, हर खबर आप तक। बात चाहे राजनीति की हो, क्राइम की, या फिर आपके क्षेत्र के इवेंट्स की, मैं आपको सब दिखाऊंगा एमटीवी लाइव पर, हर खबर आप तक। बहुत जल्द आ रहा हूं आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर पर, एमटीवी लाइव के साथ।
वेलकम बैक, यू आर वॉचिंग एमटीवी लाइव एंड योर फेवरेट शो खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज डॉक्टर कशिका जैन मेरे साथ है। कशिका जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने बहुत सारी बातें बताई, अभी एक खास बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि आप जो वर्क कर रही हैं काउंसलिंग का या एज अ सोशल वर्क, तो आपका कोई एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है या कोई एसोसिएशन है आपकी? हाँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है वंडरफुल यू, जिसमें मैं अपना ये प्रोफेशनल वर्क भी करती हूँ और साथ के साथ मैं उसमें अपने चैरिटी प्रोग्राम्स भी करती हूँ। जैसे मैं HIV तरह के कार्यक्रम आप आयोजित करती हैं, जैसे मैं HIV पॉजिटिव बच्चे जो हैं ये सत्यकाम सेवा आश्रम वाले, तो वहाँ पर उनके साथ टाइम स्पेंड करना या जो भी मैं उनकी छोटी बड़ी मदद कर सकती हूँ वो मैं करना पसंद करती हूँ। मैंने अपना एक सेमिनार किया था जिसकी फुल अमाउंट जो 21,000 कलेक्ट हुई थी वो मैंने उनको ऑन द स्पॉट डोनेट कर दी थी। ओल्ड एज होम है यहाँ पर कंकड़खेड़ा में, तो वहाँ मैं जो है ना रेगुलर जाती हूँ, दादा दादी के पास टाइम स्पेंड करती हूँ, बहुत मज़ा आता है। बेसिकली फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना मेरा एक मोटिव है। और अच्छा, बेसिकली जैसे आपने कहा कि फीमेल एजुकेशन को मोटिवेट करना, अब सवाल ये उठता है कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं, जैसे मैं बात करूँ सरकारी स्कूल की, तो देखिए फीस अफोर्ड करना एज ए काउंसलर, तो वहाँ गरीब बच्चों के लिए आप क्या करती हैं? देखिए, फीमेल से मेरा इसलिए खास लगाव है क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया है। बचपन से उन्होंने मुझे एक ही बात सिखाई कि अगर बेटियाँ पढ़ती हैं तो वो अपने माँ बाप का ही नाम रोशन नहीं करती बल्कि आगे जाकर भी दूसरे परिवार को भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकती हैं। और मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, इकलौती बेटी है मेरी, 8 साल की है, तो इसलिए मेरे को बेटियों से कुछ खास लगाव है। अब मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ आज जो बच्चा UP बोर्ड स्कूल में पढ़ रहा है उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसी है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। तो वो मेरी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन उनका पूरा हक बनता है कि वो भी ये जाने कि इस दुनिया में कम हालात अगर ख़राब हों, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो, फिर भी आगे आप बढ़ सकते हो, क्योंकि जो गरीबी होती है वो दिमाग की होती है केवल। अगर आप के पास आज आपके फाइनेंशियल हालात ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन अगर आप दिमाग से बहुत अमीर हैं तो आप इस दुनिया में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो बच्चे अचीव नहीं कर सकते जो ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि मेरे एफर्ट से अगर भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है तो मैं उनको गाइड करूँ, उनको बताऊँ कि वो करियर में आगे कैसे अच्छा कर सकते हैं या सक्सेस के लिए और बहुत कौन सी सारी क्वालिटीज़ हैं जो उनकी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए। अच्छा कशिका जी, चलिए एक सवाल और करना चाहूँगा थोड़ा सा हटके। नाउ डेज देयर लॉट ऑफ क्लब्स, यू नो, लेडीज़ क्लब और महिला क्लब एंड ये क्लब एंड वो क्लब एंड दिस, बहुत सारे महिला इन्वॉल्व हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उन क्लब्स के लिए? देखिए, बहुत सारे क्लब्स हैं मेरे शहर के अंदर और सभी लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, वो इन्जॉयमेंट के साथ साथ कुछ ऐसे एजुकेशनल वर्क या सोशल वर्क भी करते हैं। मैं रियली अप्रिशिएट करती हूँ। पहले मैंने एक बार शौक के तौर पे क्लब ज्वाइन किया था, लेकिन अब मैं पिछले 3 साल से क्लब्स में मूव नहीं करती हूँ। और अच्छा था, मैंने 1 साल उसको किया तो मेरा सफर अच्छा रहा। छोड़ने का क्या वजह रही है बताएं? छोड़ने की वजह सिर्फ ये थी कि एक तो मुझे अपने काम से टाइम नहीं मिल पा रहा था और दूसरा ये था कि मैं वो जो पॉलिटिक्स वाला जो एक माहौल होता है वो बहुत सुना है मैंने क्लब्स के बारे में कि वहाँ बहुत पॉलिटिक्स होती है। अब क्या, क्योंकि आप रह चुके हैं और आपके छोड़ने का रीजन भी पॉलिटिक्स है, तो एग्जैक्टली व्हाट वाज दैट पॉलिटिक्स? देखिए, क्या होता है कि अगर कोई फीमेल जो कि मल्टी टैलेंटेड है, राइट, जस्ट लाइक यू, थैंक यू सो मच, जो मल्टी टैलेंटेड है, जो जिसको पता है कि वो ब्यूटीफुल भी है, इंटेलिजेंट भी है और जिस भी काम में वो हाथ डालेगी वो नंबर वन ही आएगी। अब इस बात में वो दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए आप अपने आप को कम नहीं कर सकते कि दूसरों को खुश करें और हम अपने आप को उतने अच्छे से प्रेजेंट ना करें, तो वो मैं भी नहीं कर पाई क्योंकि इसको आप ये सेल्फ फ्रेज मत समझिएगा, बट डॉक्टर कशिका जैन का मतलब है द बेस्ट, कि अगर मैं कुछ भी काम कर रही हूँ तो फिर उसमें मैं अपना 100% डालूंगी। तो वो इवेंट मेरे लिए 100% सक्सेस बनाने के लिए एक पैशन बन जाता है, एक जुनून। बट दे आर नॉट सपोर्टिंग यू? नहीं, सपोर्ट कर रहे थे बट थोड़े आई वांट टू नो द ट्रुथ, कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी और मेरे को वहां व्हाट वाज द प्रॉब्लम, व्हाट वाज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि यू आर मल्टी टैलेंटेड और यू आर ब्यूटीफुल, बोथ। सो अब ये जो पॉलिटिक्स वाला एनवायरनमेंट हो जाता है ना, इधर की बुराई उधर, ना तो वो मेरी नेचर है और ना ही मेरे पास इतना टाइम है। मैंने क्लब ज्वाइन किया था एंजॉयमेंट के लिए, कि मैं अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा गेटिंग सफर, या तो वहाँ पर वो जब कानों में पड़ती है ना नेगेटिव बातें, तो मेरी लाइफ का फंडा है कि नेगेटिव लोगों को अगर आप बदल नहीं सकते तो उनसे दूर रहो, राइट, तो अदरवाइज आप क्या होगा, वो नेगेटिविटी आपको भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करने लगेगी। मैं बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी हूँ, मैं कोशिश करती हूँ पहले लोगों का
ट्रांसफॉर्म करने की, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में, अगर नहीं हो पाता है बिकॉज उनके एफर्ट्स के बिना ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैं उस नेगेटिविटी से अपने आप को दूर कर लेती हूँ. सो दिस इज द बेसिक रीजन आपने उन क्लब्स से अपने आप को अलग कर लिया. ओके कशिका, आप जैसे कि आप एक बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं, मोटिवेशन कर रही हैं, लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, और ख़ासतौर पे महिलाओं के एजुकेशन के लिए, है ना. तो वहीं पे एक तरफ आपका परिवार है, एक तरफ आपके हस्बैंड है, तो वहाँ पे ये समय का जो मैनेजमेंट है वो किस तरह करती हैं आप? जब आपका प्रोफेशन आपका पैशन होता है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आप जब भी काम कर रहे होते हो आप खुशी से काम कर रहे होते हो, और एक हैप्पी सोल, एक खुश इंसान अपने परिवार को खुश रख सकता है. और लकीली मेरे फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड, मेरी डॉटर, मेरे इन लॉज, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं, और मेरी एब्सेंस में वो मेरी बेटी का बहुत ध्यान रखती हैं. एक हमारे घर में एक हैप्पी इन्वायरमेंट रहता है. आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और उनका जो प्रोफेशन है वो भी उनका पैशन है, वो भी लोगों की लाइफ में. बट इट्स अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन योर प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन. एज ए प्रोफेशन ही इज इन टू टीचिंग, वो टीच करते हैं सी ए के स्टूडेंट्स को ही. आई ओ पी के नाम से उनका बच्चा पार्क पे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और वो प्रैक्टिस भी करते हैं, मेट्रो प्लाजा उनका ऑफिस है. अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल एक और आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत, कितने वक्त हो गया आपको टोटल ये अपने इस काम के अंदर, इस जो आप सेवा कर रही हैं? या देखिए, मैं अपने इस प्रोफेशन के अंदर जो अपना ये मेरा काउंसलिंग और ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग का जो है ये, इसको तो वैसे तो मैं 8 साल से कर रही हूँ, और 1-to-1 काउंसलिंग और जो बैचेस लेती थी मैं इसके, लेकिन अब जो हमने सेमिनार्स और वर्कशॉप्स और जो ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है वो अभी 3 साल से हम लोगों ने, क्योंकि अब टाइम हो गया, जैसे मेरी डॉटर अब 8 ईयर्स की हो गई हैं, तो मेरे पास अब टाइम है, तो अपने प्रोफेशन में मैंने सोचा कि ग्रो करते हैं. तो ये जो सेमिनार्स और वर्कशॉप हैं ये तो हम 3 साल से कर रहे हैं, और वैसे पर्सनल सेशंस तो 8 साल हो गए मेरे को. ये आपकी टीम में कितने लोग हैं कनिष्का? मेरी टीम में 8 लोग हैं, और हम लोग अभी इसको चंडीगढ़ में, सोनीपत में और सूरत में कर रहे हैं. और मेरठ में तो हम लोग हैं ही कर रहे हैं, मेन हमारा जो है हेड ऑफिस वो यहीं पर है, और बाकी जो हमारे बाकी जो ट्रेनर्स हैं वो ये 3 सिटीज में भी हम लोग काम कर रहे हैं. इसके अलावा और क्या आपके हॉबीज हैं इन सब के अलावा? ये तो पैशन है, पैशन के अलावा कुछ थोड़ी बहुत हॉबीज और भी होती हैं, वो क्या हैं? मेरी जो मेन हॉबी है वो है बुक्स रीडिंग. मैं बहुत बुक्स पढ़ती हूँ. क्या पढ़ती हैं आप? मैं अपने प्रोफेशन से रिलेटेड साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ती हूँ, मैं मोटिवेशनल बुक्स पढ़ती हूँ, मैंने भागवत गीता पे रिसर्च की है, और भागवत गीता में से मैंने डेली लाइफ लेसन्स, स्टूडेंट्स की सक्सेस के लेसन्स निकाले हैं. मैंने सरस्वती माँ पे रिसर्च की है, उसका प्रोग्राम श्री रामचंद्र जी की लाइफ से निकाला है, हनुमान जी की लाइफ से निकाला है. तो मैं साइकोलॉजी की और मोटिवेशनल बुक्स एंड ये अपने सारे शास्त्र वगैरह का अध्ययन करती हूँ. ओके, जस्ट अ सिंगल लाइन अबाउट द पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिक्स के बारे में कोई ना बोले वो ज़्यादा अच्छा है. चलिए, आप पॉलिटिक्स में बोलिए, एनी सिंगल लाइन अबाउट योगी जी. योगी जी के बारे में, योगी जी इज रियली वंडरफुल, और मैं उनको रियली अप्रिशिएट करती हूँ. योगी जी एंड मोदी जी दोनों ही मेरे फेवरेट हैं, वो किसी पार्टी की वजह से नहीं, वो इसलिए कि दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं और देश के लिए बहुत अच्छा काम तो कर रहे हैं. सोच है वो एक अच्छी है, सोच है वो बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा, मुझे वो लोग ही पसंद आते हैं जिनकी सोच अच्छी होती है. वेल, खास मुलाकात में आज बस इतना ही. कल मैं नवेद खान एमटीवी लाइव पर एक और मेहमान साहब की मुलाकात करूंगा. जब तक टेक केयर, लेकिन किसी का दिल कभी मत तोड़ेगा. थैंक यू.